तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको कॉलर लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉलर लगाने के लिए हमने फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से अटैच कर दिया है और हमने नेक भी बना दिया है, ये देखें। तो अब हमने इस पर कॉलर किस तरह से लगाना है वो आप ध्यान से देखें। तो आप चाहें यहाँ पर बाजू पहले लगा सकते हैं, आप चाहें तो कॉलर लगाने के बाद ये बाजू लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम कॉलर लगाएंगे यहाँ पर। तो कॉलर लगाने से पहले हमने क्या करना है, नेक को पकड़ना है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से मिलानी है जो कंधी है ना, कंधी वाली सिलाई है, इस सिलाई को हमने इस तरह से मिलाना है यहाँ से, और यहाँ से हमने हाफ सेंटर करना है इस तरह से, और यहाँ से हमने कट लगाना है, ये देखें इस तरह से। तो मैं आपको चौक से दिखाना चाहूँगा, ये देखें हमने यहाँ पर कट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद तो अब देखें ये रहा हमारा कॉलर। तो हमने कॉलर कटिंग करने के बाद इस तरह से पेस्टिंग कर लिया है, यानी कॉलर चिपका दिया है, ये देखें। तो ये इसकी गोलाई वाली साइड है और इधर से हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अगर आप सभी साइज़ के कॉलर की कटिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखें हमने ये जो कपड़ा फोल्ड किया है, तो हमने इसके ऊपर यहाँ से एक पैर की सिलाई लगानी है, पहले इस तरह से रखेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ से साइड से एक पैर का मार्जिन छोड़ा है, ये देखें। उसके बाद हमने कपड़े का एक पीस लिया है, तो इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो ये जो कॉलर होता है हमने कॉलर इस तरह से रखकर चेक करना है यहाँ से, ये देखें। तो यहाँ से ये बिल्कुल बराबर है। अगर नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज़्यादा भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बाद में कट कर सकते हैं, पर कम नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ पर आपने एक चीज़ और समझ लेनी है, जो कॉलर के साइड से जो कपड़ा है ना, यहाँ से हमने इस तरह से मोड़ना है और यहाँ से चौक से निशान लगाएंगे। इस निशान से फ़ायदा ये रहेगा, अभी हम जो सिलाई लगाएंगे ना, तो इससे हमें पता रहेगा हमारे कॉलर की किनार यहीं से है। उसके बाद हमने यहाँ से भी इस तरह से निशान लगा देना है, ये देखें। तो अब हमने इस तरह से रखना है, ठीक। तो ध्यान रखना है, अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो ये जो कपड़ा है ना, इस कपड़े की उल्टी साइड नीचे होनी चाहिए और सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए। और तो अब हमने ये जो निशान लगाया है ना, इसी निशान के बराबर से हमने सिलाई शुरू करनी है। पर ध्यान रखना है, ये जो कॉलर की किनार है, ये जो कॉलर की किनार है, इस किनार से करीब एक सूद नीचे से सिलाई शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से पहले हमने यहाँ पर पक्का करना है, इस तरह से पक्का करेंगे। इस तरह से पेस्टिंग के यानी कॉलर के बराबर से सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई बुकरम पर नहीं चढ़नी चाहिए, ठीक है, बुकरम के बराबर से ही आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉलर वाले सूट की फुल कटिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहाँ से जाकर आप बहुत ही आसानी से इस सूट की कटिंग भी सीख सकते हैं। तो अब यहाँ भी हमने पक्का कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट करना है यहाँ से, फिर हमने इस तरह से घुमाना है। फिर ये जो कॉलर है ना, ये जो कॉलर की किनार है, इस किनार से हमने आधा इंच बढ़ाकर कपड़ा कट करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो गोलाई है ना, यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे। सिलाई से थोड़ा दूर रखें, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस तरह से हमने थोड़ी दूरी पर कट्स लगा लेने हैं। इससे क्या होगा, आपके कॉलर में फिनिशिंग आएगी और कॉलर खिंचा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हाफ सेंटर का एक कट लगा देना है, कुटका लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, ये देखें। तो ये कट क्यों लगाया है ये हम आपको आगे बताएंगे। फिर उसके बाद हमने कॉलर को पलट देना है, यानी सीधा करेंगे इस तरह से। फिर हमने यहाँ से इस तरह से नाखून लगाना है, आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं, यहाँ से आयरन कर सकते हैं ताकि फिनिशिंग आ जाए इसमें। तो देख सकते हैं कॉलर में हमने अस्तर अटैच कर दिया है। अब हमने क्या करना है, फिर ये जो हमने सूट में हाफ सेंटर का कट लगाया था, उसके बाद ये जो हमने कॉलर में कट लगाया था, तो हमने ये कट मिलाना है इस तरह से, यहाँ इस तरह से रखेंगे, ये देखें, आप ध्यान से देखें। इस तरह से ये कट मिलाने के बाद हमने यहाँ से एक पैर की सिलाई लगानी है, फिर हमने यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाते हुए ले जाना है। पर ध्यान रखना है, ये जो कंधी वाला मार्जिन है तो ये बैक साइड में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो कॉलर का ये कपड़ा है और ये जो गले की किनार है, तो इस बुकरम की किनार से कॉलर वाला कपड़ा करीब एक सूत ज़्यादा रहना चाहिए, यानी इधर को रहना चाहिए। ये जो बुकरम की किनार है, इसकी किनार की सिलाई आनी चाहिए यहाँ पर। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। इस तरह से पक्का करके हमने उतार देना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर दी है। तो अब देखें, बैक वाला और कॉलर वाला कपड़ा यहाँ से कंधी तक तो बराबर रहा, और यहाँ पर जब ये जो फ्रंट का नेक शुरू होता है ना, कॉलर वाला कपड़ा एक सूत ज़्यादा है और ये सिलाई जो है बुकरम की किनार पर आ गई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये जो कंधी की सिलाई लगी है, यहाँ से हमने मेजरिंग टेप रखना है, कंधी की सिलाई से हमने ये देखना है हमारा कॉलर फ्रंट में यानी आगे तक कितने इंच आ रहा है। तो ये आ रहा है 3.25 इंच, तो हमने दूसरी वाली कंधी पर 3.25 इंच का निशान लगाना है। ये जो सिलाई लगी है, यहीं से नापना है हमने, इस तरह से चौक से निशान लगा देना है, ये देखें इस तरह से, और ये देखें ये जो निशान लगाया है, इसी निशान से कॉलर को रखना है, ये देखें इस तरह से। हमने एक सूत कपड़ा एक्स्ट्रा निकालना है, और ये सिलाई भी जो गले का बुकरम है ना, जो पेस्टिंग है, इसी के ऊपर आनी चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल फिक्स आएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं।
यहाँ भी हम पक्का करेंगे इस तरह से। और ये सिलाई भी बुकरम के किनार पर आनी चाहिए जिसे पहली वाली साइड में लगाई थी हमने। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये देखें, इस तरह से हमारा कॉलर अटैच हो चुका है। अब हमने क्या करना है, कॉलर को इस तरह से पलट देना है। ये देखें, तो अब आप देख सकते हैं ये सूट की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इस ठोंके को सही करना है। उसके बाद हमने यहीं से सिलाई लगाना शुरू करनी है, ठीक है। तो ये जो कॉलर दिख रहा है, हमने इसके ऊपर किनार की सिलाई लगानी है यहाँ से, इस तरह से पक्का करेंगे हम। इसी तरह से हम एंड तक किनार की सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिज़ाइनर, क्योंकि यहाँ पे हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो लाते रहते हैं। और आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज का नाम है अकील फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, ये देखें। फिर उसके बाद हमने यहाँ से पक्का करके उतार देना है। तो दोस्तों, अब आप फाइनली देख सकते हैं हमारा कॉलर लगकर रेडी तैयार हो गया है। तो देखें कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा कॉलर लगा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।